नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष स्पेशल में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना कि इतना कड़वा भी मत बोलिए कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए, और अपने दिल में इतना दुख भी मत भरिए कि आपको खुशी नजर ही ना आए। तो ये कहानी कुछ आज इसी बात के ऊपर है। एक लड़की राजस्थान में जब वो पैदा हुई, तब उसके पेरेंट्स को उसके फादर की कहीं पोस्टिंग हो गई, जिसकी वजह से उस बच्ची को अपनी नानी के पास रहना पड़ा। बच्ची नानी के पास 6 से 7 साल तक रही, तब तक काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी और वो अपनी नानी के बगैर नहीं रह सकती थी। अपनी नानी को बहुत प्यार करती थी। जब उसके माँ बाप उसको लेने के लिए वापस आए, तब वो साथ लेके आए एक छोटा सा बेबी, उसका एक छोटा सा भाई। भाई को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और तब तक क्योंकि वो अपनी नानी के पास रह रही थी और उसके मामा मामी के जो बच्चे थे वो उनको अपना भाई और बहन समझती थी। तो ये जो लड़की है, इनका नाम अनुराधा है, और अनुराधा के पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो गए उसके बिहेवियर से, और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि भाई वो अपने भाई को एक्सेप्ट कर ले और उन दोनों को एक्सेप्ट कर ले। और उनका दिल बहुत दुखता था कि जब उनकी बेटी जो है उनसे अच्छे से बात नहीं करती थी और अलग अलग रहती थी। पर हाँ, जब भी उसके भाई का बर्थडे होता था तो वो उसको अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड ज़रूर बना के देती थी हाथ में। बाकी वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसका उसके घर में। तो जैसे ही वो 18 साल की हुई, तो उसने अपने पेरेंट्स से खुद बोला कि अब मुझे शादी करनी है। तो पेरेंट्स चाहते थे कि वो आगे और पढ़े और अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे कुछ करे, बट पहली दफ़ा उसने कुछ मांगा अपने पेरेंट्स से। तो उसके फादर ने एक अच्छा लड़का ढूंढा जो कि उससे एज में बड़ा था और स्टेट्स में रहता था, तो वो शादी करके स्टेट्स चली गई। जबकि वो नानी के साथ कांस्टेंट टच में थी, जब वो अपने पेरेंट्स के पास भी आ गई, जब वो स्टेट्स भी चली गई, क्योंकि टाइम डिफरेंस था स्टेट्स में, इसलिए वो कभी कभी बात कम होने लगी उनकी। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो इतनी बिजी हो गई अपना घर बनाने में कि हफ्ते में एक कॉल होने लगी जहाँ रोज़ बात होती थी। तो अनुराधा ऐसे एक प्रेग्नेंट हो गई, तो वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और वो सो रही थी। जब वो सो रही थी तो उसको एक अजीब सपना आया। अजीब सपना ये आया कि उसके फादर और उसकी मदर, उसकी नानी और उसका ब्रदर, चारों उसके स्टमक पे हाथ रख के और उसको ये कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, और हम चाहते हैं कि अब जो तुम्हारे पास बच्चे आए तो उनको तुम हमारा नाम भी दो। तो ये एकदम उठ गई, हैरान हो गई, परेशान हो गई कि कैसा सपना आया। तो उस वक़्त तक अल्ट्रासाउंड इतना ज़्यादा वो नहीं था, टेक्नोलॉजी ने इतना काम नहीं किया हुआ था, जैसे अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। तो भी अल्ट्रासाउंड में उनको दो बच्चे, तो ट्विंस, तो उनको पता ही था कि उनके होने ही हैं। तो जब उन्होंने ना फटाफट अपने हस्बैंड को उठाया और कहा कि भाई नहीं, बात करो कुछ, मुझे ऐसा अजीब सपना आया है। तो उन्होंने बोला कि अभी तो उठाने का फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे वो लोग सो रहे होंगे, तो तुम चिंता मत करो कि मैं तुम्हारी बात आज करा ही दूँगा, पर अभी तुम सो जाओ, अभी यहाँ पे रात है। तो वो सो गई। उसके हस्बैंड ने फ़ोन किया, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है वहाँ पे, वो लोग बाहर घूमने गए हुए हैं। तो पर जब वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तब की बात है, और उसको आगे 3 महीने रोज़ ये सपना आने लगा। और किसी कारणवश वो जब भी अपने घर फ़ोन करे तो उसके मामा जो हैं वो कोई ना कोई बहाना लगा के कि भाई तुम्हारी मदर यहाँ है, तुम्हारा भाई वहाँ है, तुम्हारी नानी यहाँ है, कि मतलब बात हो ही नहीं पाती थी, कि अब नानी को कम सुनाई देने लगा है इसलिए हम फ़ोन नहीं दे रहे। पर उसका दिल जो था, वो दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत बात हुई है। तो जब डिलीवरी टाइम जब आया, तो वो ट्विंस तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, तो उन्होंने नाम भी कुछ ऐसे सोचे कि भाई अगर लड़का होगा तो लड़के होंगे तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये रखेंगे।
और क्योंकि ये सपना रोज आ रहा था कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, वो समझ नहीं पा रही थी कि इन तीनों का ऐसा सपना आ रहा है और नानी खुश है, नानी हंस रही है, ये तीनों उसके स्टमक पे हाथ रख रहे हैं और नानी सामने खड़ी है और बहुत खुश हो रही है और उसको ब्लेसिंग दे रही है। जब बच्चे हुए तो दो बच्चों की जगह वो तीन बच्चे पैदा हुए हैं उसको, उसमें से एक लड़की थी और दो लड़के थे। वो तीसरा बच्चा जो था वो तो सरप्राइज था, ट्रिपलेट्स, उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उनको तीन बच्चे होंगे। तो उस वक्त तो बहुत खुश हो गई और उस वक्त वो अपने हस्बैंड के पीछे ही पड़ गई कि मुझे अभी ही बात करनी है चाहे कुछ हो जाए। तो मामा ने एज यूजुअल फ़ोन उठाया और बोला अच्छा अभी नहीं है, अभी नहीं है, जब आएंगे तो बात करा दूंगी। तो पर वो ज़िद थी अब तो कि भाई मैंने खुशखबरी तो उनको बतानी है, उनको फोटोग्राफ्स भेजनी है, ये करना है। तो कुछ दिन तक उससे उसको टाला ही गया। एक दो महीने जब बीत गए इस बात को और उसने अपने हस्बैंड से ज़िद पकड़ी कि अब मुझे राजस्थान जाना है, बहुत टाइम हो गया कि मेरी किसी से भी बात नहीं हुई है। तो उसके हस्बैंड ने उसको अलग लेके गए, उसको बिठाया और पहले तो उससे बहुत माफ़ी मांगी और फिर कहा कि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनना, कि जो तुम्हें सपने में आ रहे थे, जिस दिन पहली रात तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें ऐसा सपना आया, उस दिन तुम्हारे घर वालों का एक्सीडेंट हुआ था जब वो घूमने के लिए जा रहे थे और कार खाई में गिर गई थी और वो सीरियस थे और कोमा में भी थे, पर नानी जो थी वो जा चुकी थी, पर क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ऐसी थी कि हम तुम्हें बता नहीं पा रहे थे, पर कुछ दिन बाद तुम्हारे भाई और तुम्हारे पेरेंट्स भी चले गए और वो जो तुम्हारा सपना आ रहा था शायद वो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे। तो बहुत रोई, बहुत परेशान हुई और उसको बहुत दुख भी हुआ कि ना तो वो नानी से मिल पाई, ना वो अपने ब्रदर से मिल पाई, ना फादर से और ना ही अपनी मदर से। पर वो एक दिन बैठी जब सोच रही थी तो उसने देखा कि उसको जब सपना आ रहा था तो उसके ब्रदर और उसके फादर और उसकी मदर ये तीनों उनसे माफ़ी मांग रहे थे जबकि नानी सामने खड़ी बहुत खुश हो रही थी। तो वो कहती है ऐसा क्यों हुआ, ऐसे जो सवाल होते हैं इनका जवाब तो कभी मिलता नहीं है। पर जब वो वहाँ पहुँची राजस्थान तो जो उसके मामा के बच्चे थे उन्होंने उसको अपनी मदर की डायरी दी जिसमें उन्होंने लिखा कि वो कितना गिल्टी फील करती थी कि वो अपनी जो उनकी बेटी है अनुराधा वो उसको अपनी नानी के पास रहना पड़ा ताकि उसके पेरेंट्स जो हैं सेटल हो सकें और एक उसको अच्छा फ्यूचर दे सकें, अच्छा घर दे सकें और वो पैसे वगैरह जुटाने में, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने में इतना टाइम लग गया कि उन बच्चे को लेके आने में 6-7 साल हो गए। तो वो उसका पूरा गिल्ट वो पड़ रही थी। उन्होंने अपने भाई की स्क्रैप बुक देखी जिसमें उन्होंने हर कार्ड अपनी सिस्टर से दिया हुआ रख रखा था, लगा रखा था, चिपका रखा था और आई लव यू दीदी लिखा हुआ था। तो बहुत दुख हुआ उनको। खैर टाइम बीतता गया, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। वो कहते हैं ना कर्मा बाउंसेस बैक, अगर आप ग्रज अपने दिल में रखोगे तो ग्रज कभी आपके सामने भी आएगा। आप माफ़ नहीं करोगे अगर किसी को तो वो कहानी घूम फिर के आपके पास आएगी ही आएगी। कुछ ऐसा यहाँ भी हुआ। अनुराधा के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उसके बच्चों का मनमुटाव होने लगा अपनी माँ से। तो एज अ मदर वो समझ सकी कि भाई अब ये मुझे टाइम नहीं दे रहे या ये मुझसे नाराज़ रह रही है या मैं जो कुछ भी बात बोलती हूँ तो इसको बुरा लग जाता है। तो उसको वहाँ पे रियलाइजेशन हुई और कहीं वो इतने सालों बाद जाके समझ सकी कि एक माँ के दिल पे क्या बीतती है और अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को माफ़ कर सकी। और खैर आज भी बच्चों के साथ उनकी अनबन रहती है लेकिन हाँ कुछ एडजस्टमेंट दोनों साइड से हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ हुआ उनके लाइफ में, लेकिन उनको ये बात ज़रूर समझ आ गई कि इस जन्म के कर्म उन्होंने यहीं पूरे करके जाने हैं और अगर वो किसी के अगेंस्ट दिल में ज़रूरत से ज़्यादा बात रखेंगी
तो कहीं ना कहीं घूम फिर के उनके पास ही वापस आएगी किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो उनके अपने बच्चों के फॉर्म में आए, चाहे वो उनके सिबलिंग के फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में आए। तो दिल में ग्रज अगर आप भी किसी के लिए रखते हैं तो माफ करना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए। लाइफ इसी का नाम है, जो कर्म यहीं किए हैं भुगत के भी यहीं जाने हैं, हिसाब किताब पूरा यहीं देना है, कोई अलग हेल नहीं होता। हेल आपका यहीं है, हेवन भी आपका यहीं है। सोच की फर्क, सोच में फर्क लाइए और आगे बढ़िए। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। तो कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।